पटना के ईडी दफ्तर में तेजस्वी यादव से पूछताछ, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सवाल, कल लालू यादव से हुई थी पूछताछ। जमीन घोटाले में ईडी की रेड के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का पता नहीं, दिल्ली से रांची तक जांच तेज। हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर छापे में ईडी ने 36 लाख रुपए नकद जब्त किए, कुछ दस्तावेज और बीएमडब्ल्यू कार भी जब्त की, झारखंड में बढ़ाई गई सुरक्षा। बजट सत्र से पहले आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक, 1 फरवरी को अंतरिम बजट से पहले माथापच्ची। चंडीगढ़ में आज हो रहा है मेयर का चुनाव, बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला, सुरक्षा सख्त। महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि आज, प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट जाकर श्रद्धांजलि दी, बापू की समाधि की परिक्रमा की। महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ में कार्यक्रम, सीएम योगी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने आज महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद शुरू की अपनी न्याय यात्रा, अररिया में बापू की तस्वीर पे किया पुण्यार्पण। अदन की खाड़ी में इंडियन नेवी का बड़ा ऑपरेशन, आईएनएस सुमित्रा ने ईरानी जहाज को बचाया, अब तक हाईजैकिंग की 2 कोशिशों को नाकाम किया। कश्मीर घाटी में हुई बर्फबारी, सैलानियों के खिले चेहरे, मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, कोहरे के चलते लोगों को परेशानी हो रही। मौसम विभाग के मुताबिक कम तापमान की वजह से बढ़ा कोहरा, सड़कों पर लोगों से सावधान से चलने की अपील की गई। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली में 31 जनवरी को हो सकती है बारिश, चल सकती हैं तेज हवाएं। ठंड और कोहरे की वजह से लोगों की बढ़ी मुश्किलें, ऑफिस आने जाने वालों को बढ़ी परेशानी, विजिबिलिटी कम होने के चलते रेंगती नजर आई गाड़ियां। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 1 फरवरी को भी हो सकती है बारिश, सोमवार से मौसम साफ होने का अनुमान है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों में भारी उत्साह, सुबह से लगी लंबी कतारें। ठंड और कोहरे पे भारी भक्तों का उत्साह, रामलला के दर्शन के लिए जाते श्रद्धालु लगा रहे जय श्री राम के जयकारे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी उमड़े श्रद्धालु दर्शन और पूजन के लिए लगी कतारें। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट और राज्य सरकार ने कई कदम उठाए, समीक्षा के बाद दर्शन व्यवस्था को पुख्ता किया। मेन गेट से लेकर राम मंदिर तक बिछाई गई चटाई, ताकि ठंड में बिना जूते चप्पल के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। एक्टर तेजा सज्जा की फिल्म हनुमान बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। हनुमान 2 मार्च से ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर स्ट्रीम होगी। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली अपने पॉडकास्ट शो व्हाट द हेल नव्या 2 को लेकर काफी चर्चा में है। उनके शो की सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। एक्टर अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा 2 15 अगस्त 2024 को कई भाषाओं में रिलीज होगी। फिलहाल फिल्म की शूटिंग जारी है। खबरों के मुताबिक डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद और एक्टर सैफ अली खान मिलकर बनाएंगे एक्शन फिल्म। इससे पहले दोनों ने 16 साल पहले एक साथ काम किया था। एमी जैक्सन ने की सगाई, एमी ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उनके बॉयफ्रेंड एड वेस्टविक उनके स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हैं।